अच्छा नाजरी, आज हम बना रहे हैं टर्किश पाचे। टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये देखिए, मैंने इतने पतले पतले खुद पाचे काटे हैं। आप गोश्त के जो लोफ होता है वो कसाई से ले लें और उसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर। ये देखिए कितने थिन हैं ये, और उसको फिर आप छुरी तेज़ करके उससे पतला पतला काट लें, वरना कसाई से कहते हैं वो आपको काट देगा। और अगर मोटे पीस में लें तो आप मीट मैलेट से उसे वो कर लें। मैंने आधा कप घी डाला है, और ये देखिए कुछ भी नहीं करना, खाली ये पाचे बिछाने नीचे, एक लाइन से बस बिछाते जाएंगे हम। अगर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा हो, देखिए इसको हम बिछाते जा रहे हैं। एक लाइन पूरी हुई और हमारे पास 1.5 किलो पारचे हैं और 3 पाव टमाटर है। ऐसे गोल गोल काट लिए, एक तय इस टमाटर की बिछाएंगे। ठीक है, ये हो गया। टोटल नमक और काली मिर्च, इसमें 2 चम्मच काली मिर्च पड़ेगी और 1.5 टीस्पून नमक, इन दोनों को मिला लेंगे। क्योंकि अगर हम अलग अलग करके डालेंगे तो उससे होगा ये कि नमक मेरा काली मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए एक तय पे ही नमक काली मिर्च छिड़की हमने, सही है। अब दूसरी पारचे की तय, अब दूसरी बिछा देंगे इसी तरह। ये टर्किश पारचे कहलाते हैं। टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स, ऑयल, नमक काली मिर्च और टमाटर। ये देखिए ये बिछाया, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ठीक है, इसी तरह और नमक काली मिर्च। ये अभी आखिरी थे, आधा किलो के तय बिछाइए। मेरे पास ज़रा टाइम कम है तो मैं प्रेशर कुकर बना रही हूँ, आप आराम से इसको देखची में बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसको, 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, बस धीमी आंच पे, ना पानी ना कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच पे इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दी। अब मैं इस पर बकिया नमक काली मिर्च छिड़का, आखिर में थोड़ी सी काली मिर्च हम कूट के डालेंगे। ठीक है, अब इसको लगा रही हूँ मैं ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको धीमी आंच पे, इसे हाथ से नमक काली मिर्च छुड़ाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है। ये लग रहा है इसके ऊपर ढक्कन, और अब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ 20 मिनट के लिए। जब इस पर प्रेशर आ जाएगा उसके बाद हम इसको 20 मिनट का टाइम गिनेंगे। ठीक है, और ये तैयार है। ये देखें इसमें 15-20 मिनट हमने पकाया प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर बगैर 2-2.5 घंटा लगेगा। अब इसको तेज़ आंच पे भून लेंगे और ये टर्किश पाचे तैयार है। ठीक है ना, बस इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए भूनना है। बस ये टमाटर का पानी खुश्क होता है और ये बिल्कुल लपटा लपटा सा हो जाए। नमक चेक कर लेते हैं, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ड्राई करना है हमें, ड्राई हो जाए तो इस रेडी। 5 मिनट्स लगेंगे। टमाटर वगैरह जो साबित आपको पहले नज़र आ रहे थे तो सब गले में, बस खाली इसको ड्राई करना है। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद में। ये देखिए 2 से 3 मिनट में टमाटर का अपना पानी खुश्क हो गया, ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप ही बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। टर्किश पारचे आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।